तो दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल दी टेक्निकल वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सॉपसी एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो अकाउंट वगैरह है वो तो सॉपसी एप्लीकेशन में बना हुआ होता है, बट कभी कभी वो अकाउंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, बट इसके बाद हम इसको लॉगिन करने का प्रोसेस वगैरह नहीं जानते हैं, तो ऐसे में हम इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस सॉपसी एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे किया जाता है मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो सॉपसी का एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन कर लेना है, एंड इसके बाद आपके में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर राइट साइड के कॉर्नर में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन का। सो चूंकि यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अभी कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर लॉगिन करने को बोला जा रहा है, यहाँ पर मुझे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो आपके केस में भी आपके यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको जिस भी नंबर से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है वो नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे सजेशन में एक नंबर आ चुका है और मुझे यहाँ पर इसी नंबर से लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पर इस नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर जो भी नंबर आपको जिस भी नंबर से लॉगिन करना है आप उस नंबर को यहाँ पर एंटर कर दीजिए, यानी कि आपका जिस भी नंबर के साथ अकाउंट ओपन है उस नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद आपका जो नंबर है उस पर एक OTP आएगा, एंड OTP को ऑटोमेटिकली इस सॉपसी एप्लीकेशन के जरिए वेरीफाई कर लिया जाएगा। सो अब आप यहां पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन में सॉपसी एप्लीकेशन के जरिए ये जो OTP है वो आ चुका है और इसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई भी कर लिया गया है। और अगर आपके केस में इसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई नहीं किया जाता है तो ऐसे में आप मैन्युअली आप OTP को टाइप करके इसको वेरीफाई करवा लीजिए। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे नंबर को वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिकली ये अकाउंट अब लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।